वेलकम बैक टू माय चैनल रूटीन स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं क्या करवाने वाली हूँ अपने बालों में एंड उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर कैसा रिजल्ट आता है, कैसे मैं अपने बालों को मेंटेन करती हूँ, क्या शैम्पू एंड कंडीशनर आई एम गोइंग टू यूज, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी इंक्लूड इन दिस वीडियो। सो दिस वुड बी अ मोर लाइक अ व्लॉग स्टाइल में रहने वाला है रेदर देन यू नो सिटिंग एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड फ्यू क्लिप्स ऑफ द प्रोसीजर। बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर में नहीं जाऊंगी मैं अभी एंड यस आई एम गोइंग देयर। आई एम वेयरिंग वेरी लूज टॉप एंड वेरी कम्फी बिकॉज मैं अभी जाने वाली हूँ ऑटो से और मैंने एक बहुत बड़ा सा स्टोल रखा हुआ है क्योंकि आते टाइम मेरे बाल खराब ना हो जाए डस्ट में, तो मैं पूरा प्रॉपरली लपेट करके आने वाली हूँ बिकॉज विक्की नहीं है एंड आई डोंट ड्राइव कार हियर, सो यू नो उसका प्रिकॉशंस लेकर के जा रही हूँ मैं। सो यस मैंने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दे दिया है। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज है मेरा डे टू, ये जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया है उसका, तो अभी आपको दिख रहा होगा ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने ऑयल लगाया है, तो वो जो सोल्यूशन है वो मेरे बालों में लगा हुआ है, उसी को वॉश करवाने के लिए आज मुझे जाना है। वॉश करवाने के बाद मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करूंगी, अभी हम लोग निकलते हैं। सो या उसके पहले एक्चुअली पार्लर का तो अपॉइंटमेंट मेरा 5 बजे का है, बट उससे पहले मुझे 2-3 काम करने हैं तो वो हम करते हैं एंड वो मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने आज काम किया है वो दूसरे वीडियो के लिए है तो वो करूंगी एंड देन उसके बाद फिर मैं पार्लर जाऊंगी। जो पार्लर जाऊंगी तो उसका थोड़ा सा पार्ट शूट करूंगी डेफिनेटली एंड देन आने के बाद आपको प्रॉपरली डिटेल थिंग बताऊंगी कि क्या करवाया है मैंने, कैसे लास्ट करता है, क्या शैम्पू कंडीशनर यूज करना होता है एंड एवरीथिंग और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाय गाइस आई एम बैक and I'm done with my hair treatment and everything, wash वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो I know you must be wondering कि ये मैंने कौन सा treatment अपने बालों में करवाया था, तो इसका नाम है QOD। थोड़ा uncommon सा नाम है जो अभी इतना ज़्यादा famous नहीं हुआ है जितना कि keratin treatment और स्ट्रेटनिंग एंड स्मूदनिंग ट्रीटमेंट हो चुका है, उतना कॉमन नहीं हुआ है। तो यू नो QOD के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम वीडियोस इसके बारे में बने हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो की प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है वो मैं बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। फिर एनी केस आपको डिटेल्ड एकदम क्या प्रोसीजर वो लोग करते हैं वो देखना है। तो ये क्यों QOD और स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग से डिफरेंट है उसके ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ उसी वीडियो में, तो आई विल इंसिस्ट यू टू गो चेक दैट वीडियो एज वेल। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि QOD इज बेसिकली अ ट्रीटमेंट जो आपके बालों में प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से। तो बेसिकली जैसे स्मूदनिंग हो गया इट इज फुल ऑफ केमिकल्स, ओके, स्ट्रेटनिंग हो गया ये फुल ऑफ केमिकल्स होता है, इवन केराटिन एंड सिस्टिन इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट जो कि फुल ऑफ केमिकल्स होता है, बट QOD ट्रीटमेंट में सिर्फ 20% केमिकल्स होता है। तो इट इज डेफिनेटली गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर योर हेयर हेल्थ एज वेल एज गुड फॉर योर हेल्थ। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि क्या QOD ट्रीटमेंट से बालों को स्ट्रेटनिंग मिलती है, क्या ये स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है? तो नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि QOD इज फॉर योर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बालों को से कोई स्ट्रेटनिंग नहीं मिलती है, आपके बालों का टेक्सचर सिर्फ 40-30% ही चेंज होता है, 100% चेंज नहीं होता है। 95-100% आपके बालों का टेक्सचर सिर्फ स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग में ही चेंज होता है, QOD में चेंज नहीं होता है, बिकॉज मेरे बालों का जो एक्चुअल नेचर है दैट इज
स्ट्रेट बोल सकते हो या सेमी स्ट्रेट बोल सकते हो. मेरे बालों में सिर्फ यहाँ पर हल्के से वेव्स आते हैं, बाकी और थोड़ा थोड़ा सा पीछे से वेव्स आते हैं, दैट्स इट. अदरवाइज मेरे बालों का जो नीचे का टेक्स्चर है दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट ही रहे हैं मेरे बाल. तो इसलिए जब मैं ये ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग करवाया है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है. अगर आपके बाल कर्ली हैं और अगर आपके बाल वेवी हैं, अगर आप ये क्यूओडी का ट्रीटमेंट करवाओगे तो आपके बालों में हल्के हल्के से वेव्स रहेंगे, और कर्ली हेयर वालों के तो बालों में कर्ल्स रहेंगे ही रहेंगे, वो स्ट्रेट नहीं होगा. तो इट इज जस्ट अ ट्रीटमेंट जो कि आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है, आपके बालों को खाना देता है. जो आपके बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं या बहुत ड्राई हो चुके होते हैं, बहुत ब्रेकेजेस होते हैं. Now my personal experience is, ये मैं second time करवा रही हूँ. This is actually a hell expensive process, like literally a hell expensive process. मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो neighbor है she also wanted to go for the same procedure. उसका hair length सिर्फ इतना है और उसको 7000 rupees quote किया था. तो एक्सपेंसिव है, क्यूओडी ट्रीटमेंट इज लिटरली वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट मैं साल में एक बार अफोर्ड कर सकती हूँ इस ट्रीटमेंट को कराना. इसके पीछे के मैं आपको रीजन बताती हूँ. सबसे पहला रीजन ये है कि मैंने अपने बालों में स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग करवाई है कम से कम 3 से 4 साल 4-5 साल करवाया है, एंड उस प्रोसेस ने मेरे बालों की जो थिकनेस है वो बहुत कम कर दी. मेरे बाल डबल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा थिक होते थे, बट उसकी थिकनेस कम हो गई. एंड उसके बाद जब मेरा स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग जाने वाला रहता था ना, तो मेरे बाल इतने ज्यादा हेयरफॉल होता था, इतना हेयरफॉल होता था कि मैं आपको क्या बताऊं. अब वो जड़ से भी होता था एंड साथ ही साथ हेयर ब्रेकेजेस हो रहा है, वो तो होता ही, आपको पता चल जाता है कि आपके बाल रूट से निकल रहे हैं, राइट. तो मेरे बाल रूट से भी निकलते थे. उसके पीछे का क्या रीजन था, टेक्निकलिटीज क्या थी, सब बोलते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो तो बालों के यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जड़ से क्यों निकल रहा था, वो सब मुझे नहीं पता. बट मैंने जो फेस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत हेयरफॉल फेस करती थी मैं, और ऐसे बंच में मेरे हेयरफॉल इधर उधर पड़ा रहता था. लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर क्यूओडी का ट्रीटमेंट करवाया, ये ज्यादा लास्ट नहीं करता, ये 3 से 4 मंथ में आपके बालों में वापस से वेव्स आ जाएंगे, मेरे बालों में वापस से यहाँ पे वेव्स आ जाती है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 3 to 4 months ही ये चलता है. एंड लेकिन इस पूरे साल मेरे बालों का जो हेयर फॉल था वो बहुत कम हो गया था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के हेयर फॉल से. मैंने इतनी सारी बार केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है और वो केमिकल ट्रीटमेंट सब मैं स्टॉप नहीं कर सकती बिकॉज मेरे बाल बहुत एक्सट्रीम ड्राई हो चुके हैं उस ट्रीटमेंट की वजह से. तो यू नो, इसलिए मैं ये क्यूओडी करवाती हूँ ताकि मेरे बालों की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे. नाउ कमिंग टू द शैम्पू की अब हम बात करते हैं. तो इस प्रोसेस में, क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोसेस होता है, तो आपको कोई भी केमिकल वाला शैम्पू इसमें यूज नहीं करना है. आपको मेक श्योर करना है कि आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो केमिकल फ्री हो, तभी ये प्रोसेस आपके बालों में अच्छी इफेक्ट करती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो एक तो मैं यूज करती हूँ ये वेला का एलिमेंट्स, एंड उसके बाद जो कंडीशनर मैं यूज करती हूँ अगेन वो वेला का एलिमेंट्स ही कंडीशनर यूज करती हूँ. दीज शैम्पू एंड कंडीशनर आर प्रिटी एक्सपेंसिव, ये काफी एक्सपेंसिव आते हैं. तो अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मामा अर्थ का शैम्पू, अनियन शैम्पू, टी ट्री शैम्पू. ये भी मैं यूज करती हूँ अपने बालों में क्योंकि ये भी केमिकल फ्री है. उसके अलावा जो ऑप्शन है, आप कामा आयुर्वेदा के शैम्पू यूज कर सकते हो, आप फॉरेस्ट एसेंशियल के शैम्पू यूज कर सकते हो, बासू का त्रिचप हेयर क्रीम, कैरेटिन है, मैं ये भी यूज करती हूँ बिकॉज ये सब केमिकल फ्री है. तो इंग्रीडियंट्स पढ़ करके आप चीजें लीजिएगा, मैंने इन सबके ऑप्शन दे दिए, आप इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. तो इन फाइनल अगर मैं बोलूँ, मेरा रिव्यू जो मैंने लास्ट 10 months पहले वीडियो बनाया था उसके बाद यही था कि अगर आपको एक्चुअली में बालों में कुछ प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपको आपके बाल बहुत रफ है, ड्राई एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइज. तो हाँ, अगर आपको बालों में एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. लेकिन आपको बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल है तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू कि ये ट्रीटमेंट्स और किसी भी ट्रीटमेंट्स और कुछ भी करवाने से पहले, सबसे पहले गेट योर हार्मोनल चेकअप डन, योर ब्लड चेकअप डन, बिकॉज समटाइम्स इंटरनल कुछ सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको हम इग्नोर करते हैं. सब चेकअप करवाइए, जब आपको पता चल जाएगी आपको कोई इस तरह की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो ये सब चेक करवाने के बाद, उसके बाद आपके बाल झड़ रहे हैं, जब सब कुछ नॉर्मल है तब फिर आप इस प्रोसेस को करवा सकते हैं, अपने शैम्पूज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड होम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो. डिटेल वर्जन देखने के लिए आप मेरा जो पुराना वाला अपलोड है वो चेक कर सकते हैं. एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू रियली लाइक माय वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.